हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग एएमयू स्टूडियोज। और आज मैं फिर से एक वॉइस एक्सरसाइज का एक बहुत ही उम्दा वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोग इसको समझेंगे तो आप लोगों के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। पहले मैं उस बारे में बताता हूं कि ये जो एक्सरसाइज है वो क्यों है, किस लिए है और हम लोगों को क्यों करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हम लोग अपनी शब्दों के ऊपर काम करते हैं, शब्दावली के ऊपर काम करते हैं हम लोग, यू नो, अपनी लेकिन आवाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं। जिसमें से आज मैं आप जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये है आपकी वॉइस का बेस और आपकी वॉइस का शार्पनेस का एक मिक्सचर। यानी कि आप मेरी आवाज़ देखिए सुनते होंगे, जैसे कि अभी भी आप सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज़ में एक क्लैरिटी है, यानी कि बेस भी प्रॉपर है, शार्पनेस भी प्रॉपर है। मेरी आवाज़ कोई बहुत भारी नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ ट्यून है, यानी कि मेरी आवाज़ बैलेंस है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी आवाज़ को इससे ज़्यादा भारी कर सकता हूँ और मेरी वॉइस की क्वालिटी में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी एनर्जी लॉस नहीं होगी। मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा पतली अपनी आवाज़ को कर सकता हूँ जिससे कि मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं एक 18 साल का लड़के का भी आवाज़ बना सकता हूँ और एक 45 साल के आदमी का भी आवाज़ बना सकता हूँ और एक इससे ज़्यादा मैं एक 60 साल के आदमी की भी आवाज़ बना सकता हूँ और मैं बहुत अच्छे से चीख चिल्ला के भी बात कर सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। कैसे? क्योंकि मेरी आवाज़ ट्यून है, मेरी आवाज़ बैलेंस है। तो आप अपनी आवाज़ को बैलेंस करने के लिए देखिए, कोई बहुत अनोखी काम नहीं करने हैं, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, समझ की बात होती है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये मेरी मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मैंने कहीं से किसी को देख कर आपको चीज़ों को नहीं बताता हूँ, ये मेरी खुद की आजमाई हुई होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब जगहों पर ये इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि नहीं यार, ये एक सिंगर के लिए है, एक गाने वालों के लिए है तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब मैं आपको बात बताऊं कि अगर देखिए, सिंगर भी कलाकार होता है, वॉइस आर्टिस्ट भी एक कलाकार होता है, एक एक्टर भी एक कलाकार ही होता है। ठीक है, इन सब में एक ख़ास अहम चीज़ क्या होती है कि आपकी वॉइस का जो एक लेवल है वो प्रॉपर रहे। वॉइस बैलेंसिंग के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, वॉइस में एक होता है लो बैरिटोन होता है, यानी कि एक बेस साउंड होता है, मेल वॉइस ही मैं आपको बात बता रहा हूँ, और एक जो होता है वो शार्पनेस होती है। जो हाई रेंज होता है, जैसे हम चिल्ला के कोई बात करते हैं तो वो शार्पनेस में काउंट होती है, लेकिन जब हम कोई ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं जिसमें हमको एनर्जी के साथ में एक मैनली वॉइस चाहिए है, तो उसमें आपको एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी। सुर होते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, इसमें तीन ऑक्टेव्स होते हैं, यानी कि तीन जो होते हैं वो सप्तक होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, लो मिड और हाई, ये तीन तरह के सप्तक होते हैं। तो मैं हाई सप्तक की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, हाई ऑक्टेव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लो ऑक्टेव और मिड ऑक्टेव। लो ऑक्टेव क्या करेगा, यानी कि जो मंद्र है जो सबसे नीचे का है, जैसे कि ये जितना आप ले जा सकिए, मैं इससे ज़्यादा ले जा सकता हूँ बट वो अभी आपको बताने के लिए मैंने थोड़ी अपनी सांस को रोक लिया था। आप जितना जा सकें इसको, अगर आप 30 सेकंड जा सकते हैं, 20 सेकंड जा सकते हैं, 40 सेकंड जा सकते हैं, डिपेंड करता आपके ऊपर। ठीक है, फिर इसके ऊपर रे जितना आप जा सकें, फिर उसके ऊपर ग, फिर इसके ऊपर म, इसी तरीके से सा रे गा मा पा धा नी सा, ये आपका आएगा मंद्र लो ऑक्टेव में। ये आपकी आवाज में एक बेस को बैलेंस करेगा, आपकी आवाज में एक बेस पैदा करेगा, एक बेस को निखारेगा और आपकी आवाज थोड़ी सी भारी भी होगी। फीमेल भी इस एक्सरसाइज को कर सकती हैं, कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इसके पीछे कि मेल का अलग होगा फीमेल का अलग होगा। फीमेल्स को भी अपनी आवाज़ को भारी रखना चाहिए, थोड़ी सी इम्प्रेसिव होती है। फिर इसके बाद मेल तो भाई जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ अगर भारी नहीं होगी तो मैनली वो बात नहीं आती है यार। फिर उसके बाद ये हो गई बेस की एक्सरसाइज, और इसके बाद एक एक्सरसाइज इसी के ऊपर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड ऑक्टेव, मध्य, जो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे जितना भी आप इसको आगे तक ले जा सके रे।
इस जैसे भी आप आगे ले, ये पूरा पूरा लेके जाना है आपको, छोड़ना कैसे मैं आपको पूरा एक प्रॉपर करके दिखाता हूं। जितना भी आप जा सके, मेरी आवाज यहीं तक थी, इससे थोड़ा सा 4-5 सेकंड और जा सकती है, बट वहां पे अभी जाने का कोई मतलब। फिर इसके ऊपर रे, फिर गा, जब आप पहुंच गए सारे गा, सारे गा मा पा धा नी सा, फिर नीचे उतरिए सा नी धा पामा, ये इस तरीके से सारे गामा पाधा नी सा सा नी धा पामा गरे सा, ऐसे आपको नीचे उतरना है। ये आपकी आवाज में एक तरीके की शार्पनेस को पैदा करेगा, यानी कि लो ऑप्टेव जो हो गया वो हो गया आपकी बेस साउंड के लिए, और मिड ऑप्टेव जो हो गया वो हो गया आपकी शार्पनेस के लिए। तो ये जब दोनों एक्सरसाइजेस की आप लोग दिन भर में 10-10 मिनट भी, यानी कि आपने 5 बार अगर लो ऑप्टेव की प्रैक्टिस कर ली, सारे गामा पाधा नी सा सा नी धा पामा गरे सा, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से नहीं, वो पूरा पूरा जाके, और फिर उसके बाद 5 बार अगर आपने मिड ऑप्टेव की प्रैक्टिस कर ली, यकीन मानिए 1 महीने के अंदर आपकी आवाज़ में वो जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम यू नो कमाल वाओ, एकदम चेंज जो आ गया है, एक्चुअली में उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइजेस हैं जो धीमे धीमे मैं आपको, और भी एक्सरसाइजेस हैं अभी, वॉइस को कैसे कंट्रोल करना है, शब्दों को कैसे कंट्रोल करना है, यू नो बहुत सारे लोगों के शब्द जो होते हैं वो टूटते हैं, बहुत सारे लोग शब्द जो होते हैं वो मुंह से निकल नहीं पाते, बहुत सारे लोगों का शाज ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लिस्प की प्रॉब्लम होती है, उनके बारे में भी मैं आगे एक्सरसाइजेस लेके आता रहूंगा। फिलहाल आप मेरी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए, मेरी नहीं ये अब तो आपकी एक्सरसाइज हो गई है, और कोई भी आपको अगर कोई यू नो लगे कि हाँ यार ये मुझे थोड़ी एक्सरसाइज से इम्पैक्ट हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरे कोई बहुत सब्सक्राइबर तो है नहीं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं वो सारे मेरे जेन्युइन होते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस एक्सरसाइज से मुझे इफ़ेक्ट हुआ है, और ये अभी 1-2 दिन में नहीं हो जाएगा, इसको करने में तकरीबन आपको 1 महीने का वक्त जाएगा, एक बार फिर से हम लोग कोशिश करते हैं इस तरीके से रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। और अगर आपके पास हारमोनियम बाजा अगर हो, फिर तो आप समझ नहीं सकते कि आपकी आवाज कितनी बैलेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटे भी आप पढ़ने लगिए, आप 10 घंटे भी लगातार काम करिए, कितने भी थक कर आप आए हो, आपकी आवाज़ कभी नहीं थकेगी। तो ये एक्सरसाइज आप लोग की बेस और मिक्सचर को एक तरीके से लेकर जाएगा, सही करेगा। तो अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मेरे अलग अलग वीडियोस आते रहते हैं, वहाँ पे मैं अलग अलग अपडेट्स करता रहता हूँ। अहमद हुसैन 85 AHMADHUSAIN 85, ये मेरी इंस्टाग्राम की हैंडलर है, जो नीचे आपको चल भी रहा होगा, दिख रहा होगा, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करिए। और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कॉमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कॉमेंट मेरी हौसले को बढ़ाते हैं। वरना ये इंडस्ट्री तो एक ऐसी है ना, जिसमें रोज़ आप बेरोज़गार होते हैं, रोज़ आप गिरते हैं, रोज़ उठने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और हिम्मत मत हारिए, होगा, आज नहीं तो कल होगा। जैसे रोज़ सुबह नहीं रहती है, यानी कि हमेशा रात नहीं रहती है, वैसे ही हमेशा दिन भी नहीं रहता है, वैसे ही हमेशा फेलियर नहीं रहता है, फेलियर के बाद सक्सेस भी आता है, सक्सेस के बाद फिर फेलियर आता है कभी कभी आपकी ज़िंदगी में। तो आप लोग फेलियर से घबराइए नहीं, और ये अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली दफ़ा मैं एक और बेहतरीन एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसके बारे में अभी आपको बताऊँगा नहीं। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने
सब जितने भी लोग हैं उन लोगों ने अगर हर लोगों ने मुझे कमेंट किया, जितने भी व्यूज़ आए हैं उतने अगर कमेंट आ गए, उतने अगर लाइक आ गए, तो मैं एक बहुत बेहतरीन आपको एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें आपको शब्दों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी, स्क्रिप्ट को पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी, वर्ड के पंक्चुएशन के बारे में, मॉड्यूलेशन के बारे में आपको बहुत मालूम होगा। और मुझे दीजिए इजाज़त, लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे साथ बने रहिए। खुदा हाफिज़।